और एक गाइस, लास्ट कुछ दिनों में मैंने जो कॉल्स किए थे, यानी कि जो लेग कलरी किक्स के बारे में जो बताया था मैंने, उसको सिर्फ मैंने आपको किक के बारे में बताया है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ किक के साथ साथ हम एक टेक्निक को भी प्रैक्टिस करते हैं, जो कि किक खत्म होने के टाइम पे, जो कि कमेंट्स में बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा भी है, सर कि वो किक खत्म होने के बाद जो मुड़ रहा है, जो टर्न हो रहा है, वो किस तरह से हो रहा है, उसके बारे में बताइए करके, ठीक है। तो आज हम उन चीजों को बताएंगे कि ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर काल में जितने भी काल्स होते हैं, जितने भी किक्स होते हैं, अच्छा मैंने एक लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि काल मतलब किक, ओके तो कुछ लोगों ने जो मलयालम जानते हैं उन्होंने बोला था कि काल मतलब किक नहीं होता, काल मतलब लेग होता है करके, आई अंडरस्टैंड दैट काल मतलब लेग ही होता है मलयालम में, लेकिन जैसे हम लोग देर काल मतलब स्ट्रेट पैर को उठाना है, तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं स्ट्रेट किक करके। तो इसका मैंने ट्रांसलेट नहीं किया है कि काल मतलब किक नहीं होता, काल मतलब लगी होता है, बट नेर काल मतलब स्ट्रेट किक उठाना है। तो कलरी लैंग्वेज में मैंने इसको बताया था कि स्ट्रेट किक या नेर काल, ये जिस तरीके से भी हम इसको करते हैं। इसमें क्या है कि जब भी आप काल्स करते हो तो बच्चे जो है कलरी के एक छोर से दूसरे छोर तक करते हुए आते हैं, ठीक है, और कलरी के टेम्पल के पास यानी कि जो पूतरा है, पूतरा के पास पहुंचने के बाद वो लोग वहां से टर्न करते हैं। तो जो टर्न होता है वो एक कलरी टेक्निक होता है, या हम बोल सकते हैं कि एक प्रयोग होता है। उस प्रयोग को क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हर काल के लिए डिफरेंट वे होता है। तो आज मैं आपको उन काल्स के जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। आप लोग उसको ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और किस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करते हैं। आइए देखते हैं। Hey everyone, what the day? इड़ तो कहीं की दो की आवाज। देवा। So मैं गाइस यही बता रहा था कि इड़ कहीं की दो की अमर। तो अगर ये जो मलयालम वर्ड है इसको अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो इस तरीके से होता है कि बाएं हाथ को देख के अमर। तो बाएं हाथ को देख के अमर क्यों करते हैं, क्या इसके पीछे का क्या सेल्फ डिफेंस इसमें छुपा हुआ है, इन चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी है। तो अगर मलयालम में कंप्लीट कमांड अगर मैं बोलूं तो एडद कैड वेल्ला नोकी अमर। एडद कैड वेल्ला नोकी मतलब लेफ्ट हैंड के व्हाइट पोर्शन को देखिए, यानी कि ये ब्लैक कंसीडर कर सकते हैं, इसको व्हाइट कंसीडर करो, तो लेफ्ट हैंड के व्हाइट को देख के अमर, ठीक है। आइए इसको देखते हैं कि किस तरीके से टेक्निकली इसे करना है। एडत कैले वल्ला नोकी। अब ये जो हाथ है ये टेक्निकली देखा जाए तो ये हाथ आपको यही रखना है, इस हाथ को आप कहीं नहीं ले जाएंगे, और इस हाथ को यहां रख के अपने बॉडी को टर्न करना है, और आपका ये जो राइट वाला लेग है ये लेग को भी कहीं नहीं ले जाएंगे, आप सिर्फ लेफ्ट वाले पैर को राइट पैर के सामने से मोड़ के लेके आना है। जाइए ये इस तरीके से इसको प्रैक्टिस कर रहा है और दोनों हाथ ये आएगा। आपको कोशिश ये करना है जब आप अपने आप से करेंगे तो वलत नेरे एडत नेरे वलत नेरे एडत कई ने वेल्ला नोकी अमर दिया, एडत कई की नोकी अमर जब आप करेंगे तो ये हाथ साथ साथ लेके नहीं जाना, दिस इज रॉन्ग वे ऑफ प्रैक्टिस। ये आपको यहीं पे रखना है और अपने बॉडी के मिडिल पोर्शन को, शरीर के जो बीच का जो पोर्शन है उसको बंद करके लेके आना है, वो ये करके लेके आना, ये हाथ लेके लेके आना। अब ये क्यों करते हैं, ये हम क्यों करते हैं, इसके पीछे भी हमें सोचना है कि हम इस चीज को करते क्यों। इसके पीछे एक छोटा सा टेक्निक छुपा हुआ है कि क्यों कलरी में इस चीज को प्रैक्टिस किया जाता है। सपोज सामने से एक व्यक्ति वलत देरे वाला किक को प्रयोग कर रहा है, वलत देरे करो, ये वलत देरे किया इसने, अगर ये इसका पैर यहां पे किसी ने होल्ड कर लिया, किसी ने आपके पैर को पकड़ लिया, अगर आपके पैर को पकड़ लिया है तो आप क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आप क्या करेंगे बताओ, हमारी हाथ से मार के देखिए पहले, अगर हाथ से मारेंगे मारो हाथ से खींच के मारो, दोनों दो राइट है, हाँ ये हम पीछे बढ़ेंगे और ये बंदा इसको खींच खींच के लेके भी जा सकता है। तो इसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता है कि अपने लेफ्ट वाले लेग से किक करे मेरे मुंह पे और छुटा ले, और उस तरफ को मुड़ जाए और छुटा ले। इसलिए ही हम क्या करते हैं, जब हम राइट पैर को जमीन पे रखते हैं, ये राइट पैर को हिलने नहीं देते, और लेफ्ट हैंड को पीछे रखो,
पीछे रखो पूरा अच्छी तरीके, देखो लेफ्ट साइड को, ये इसलिए ही क्या करते हैं हम लोग, इस पैर को हिलने नहीं देते, उस हाथ को भी हिलने नहीं देते, और ये वाला जो पैर है इससे आपको शुरुआती तौर पे यही प्रैक्टिस करना है आपको, भाई इन चीजों को बिना हिलाए आप लेफ्ट पैर को घुमा के ले आओ, ये आपके शरीर में धीरे धीरे ये टेक्निक बैठ जाए। उसके बाद आप क्या करेंगे, वलत नेरे अध नेरे तिरनी चाड़ी, वलत नेरे अध नेरे तिरनी चाड़ी, बोलना पड़ा है अड़को, वलत नेरे अध नेरे तिरनी चाड़ी, ये इस तरीके से प्रैक्टिस होता है। ये पहला भाग वो है, दूसरा भाग ये है, दोबारा देखिए एक बार उसको, वलत नेरे अध नेरे, यानी इसका जो राइट पैर है वो आगे करो, ये अब ये राइट पैर को आगे रख के इसको बिना जमीन पे पहुंचाए लेफ्ट वाले पैर को उठा के यहां रखना है। तो आप कैसे करेंगे करके दिखाओ, वलत नेरे अध नेरे तिरंगी चाड़ी जंप, ये इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। मारो ये सामने से किया, ये होल्ड हुआ, अगर किसी ने होल्ड किया तो आप जो है ये घूम के इसे मेरे मुंह पे मार पाए, ये प्रैक्टिस। तो कलरी के अंदर आपको समझना है गाइस कि जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं कलरी में कुछ ना कुछ टेक्निक उसके पीछे होता है। लेकिन अगर यही चीज को वह अगर हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं वलत नेरे, यार राइट किक को उठा के जब हम वलत नेरे करके रख के लेफ्ट हैंड को देख के इस तरीके से जब घूमने के लिए बोलते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो कलरी दिखाने का कुछ और होता है, करने का कुछ और होता है। तो इसको डीपली समझना पड़ता है हमें कि व्हाट एग्जैक्टली वी डूइंग इन कलरी। कलरी हमेशा अच्छा होता है अगर आप अपने गुरु मुख से ही सीखे। गुरु मुख से जब आप सीखोगे तो वो उन सब चीजों का ध्यान रखेगा कि आपको चोट तो नहीं आ रही है, आपकी क्षमता कितनी है, और आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाएगा। आप उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा जो लोग कलरी पाइट में रुचि रखते हैं, कलरी पाइट को सीखना चाहते हैं, या किसी वजह से कलरी पाइट को नहीं सीख पाए, या आपके आसपास कलरी नहीं है, या फिर आप केरला से बाहर है, या फिर आपको मलयालम नहीं समझ में आता है। इन सब सोल्यूशनों के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो हिंदी में बनाया है ताकि आप इसको अच्छी तरह समझे, इसकी डेप्थ को समझे, इस मार्शल आर्ट की तरफ आपकी रुचि बढ़े। तो आप उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो इन चीजों को चाहते हैं प्रैक्टिस करना, प्लीज उन तक आप इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कुछ भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करूं इन सब चीजों का और आपकी डाउट्स का। स्टे सेफ, स्टे प्रैक्टिस्ड, जय हिंद।